हाँ जी, हर हर महादेव जी, क्या हालचाल हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों से सभी व्यूअर के लिए एक प्यार भरी गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं कि आज भी सुबह सुबह जो वो आधे गांव में लगभग धूप निकल चुकी है और मैं चला गया था सुबह उठ के खेतों में, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मंथ रहते हैं, ये जो टाइम रहता है, ये हमारे गाँव में बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है हर किसी गाँव वाले का। तो आज ना सुबह सुबह जब मैं आया खेतों से वापस, तो खाना भी नहीं बना था घर में। शीतल देखो और रिया, आज छुट्टी है तो क्या कपड़े धो रहे हो आज? आज एक्चुअल में देखो वहां से कोई जहाज नहीं लैंड करवाना है जो तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो कैमरा में। तो अभी ना दोस्तों चक्कर क्या है कि आज हमारे गांव में श्राद्ध हैं, अलग अलग घर में अलग अलग जगह पे श्राद्ध होते हैं। तो हमारे जैसे सामने वाले जो दादाजी हैं, उनके घर में श्राद्ध है, तो उन्होंने बोला है कि आज आप खाना मत बनाना, आज उनके यहाँ पे ही खाना खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। ये कड़ी मैंने जो आप देख रहे हो ना, वो जो मेरे नीचे वाले खेत है, वहाँ से सुबह सुबह मैं लगा हुआ था ढोने के लिए और इन सबको यहाँ पे ढो ढो के इकट्ठा कर दिया है। अब इनको डंडे से पीटेंगे, फिर उसके बाद मैं इनका प्रोसेस जो कुछ इस तरह से हो जाता है, फिर एक बार डंडे से पिटाई होगी तो उसके बाद में जो घास अलग हो जाता है और इसके दाने जो वो अलग हो जाते हैं। शीतल और रिया ने ना सारे कपड़े धो दिए भाई। और किसका फोन आ रहा है सुबह सुबह? मेहंदी लगाने जा रही हो? हाँ, आज मैं जा रही हूँ। पता, शीतल के पास एक हिडन टैलेंट है, ठीक है, खाना वाना तो बनाती है, लेकिन ये शादी में ना मेहंदी लगवानी हो तो शीतल के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नंबर प्रोवाइड कर दूं तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में? नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं लगाती है यार शादी में। सोचो शादी में शीतल को बुलाया जाता है स्पेशल मेहंदी के लिए। और वहाँ पे देखो श्राद्ध है। और दादाजी कितने बजे होगा श्राद्ध शुरू? 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे के बाद होगा शुरू? तो अभी तब तक खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाया। नहीं नहीं, अभी आने वाला पंडित या क्या आने वाला है? तैयारी होगी, सारी तैयारी होगी। हमारे गांव में एक जगह पे श्राद्ध नहीं होता है, मतलब एक ही दिन में घर में 2-3 घरों में श्राद्ध होते हैं। तो अभी पंडित जी जो है वो नीचे की तरफ गए हैं, तो ऐसे में है ना यहाँ पे अभी हो गई है तैयारी शुरू और बस दादाजी भी इसको कर रहे हैं। दादाजी रेस्ट कर लो अब, कोई बात नहीं। दादा आप किनके श्राद्ध छुड़वाते हो? अपने डैडी का। अच्छा, अपने डैडी की, मतलब मेरे पर दादाजी का श्राद्ध हो रहा है। और डैडी जी का, जैसे मेरे पिताजी को भी अब आपको पता है ना, इस दुनिया से गए हुए 4 साल तो बीत चुके हैं, तो उनको भी श्राद्ध में डालना था पर अब की बार नहीं डाला है। कुछ पता नहीं, पत्रिका वगैरह देखते हैं तो बोल रहे हैं कि अगले साल जो है वो श्राद्ध में डाला जाएगा। तुमने खा लिया खाना? तो अभी देख लो सारे लोगों ने ना खाना नहीं खाया है और सभी सुबह से ऐसे ही भटक रहे हैं। चाची गुड मॉर्निंग। होगी श्राद्ध की तैयारी? होगी होगी होगी। ये दूध किसके लिए? ये दूध खीर में डालना थोड़ा। अच्छा, गंगा जल में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो आपके साथ ही चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। अभी खाना तो नहीं खा सकते क्योंकि जब नहीं, तक नहीं, अब तक नहीं, पंडित जी नहीं आएंगे तब तक इम्पॉसिबल है। पंडित जी तो आ रहे हैं, आ गए ना, फिर नीचे। हाँ नीचे, मतलब दूसरों के घरों के वो हो रहे। तो देखो ये रही भाई अपनी चाची जी के घर, मैं आप लोगों को कम ही लेके आता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि देखो श्राद्ध की तैयारी के लिए सब लकड़ियाँ, जैसे हवन करना होता है सबसे पहले, ये पिंड दान के लिए पिंड वगैरह तैयार करके रखे हैं, ऊन वगैरह तैयार करके रखे हैं, ये सारी सामग्री तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि हर जगह पे ये होते ही है। चाची है? खाना कितने बजे खाना है? खाना खा लेना को 10:30-11:30। 10:30-11:30। मेरे को भूख लगने लगी है पेट में। भूख क्या खाना है? अभी नहीं खा सकते ना? खा नहीं सकते है ना। चाची बड़ा तो खा ही सकता हूँ मैं, बचे खा। चलो गुड न्यूज ये मिली है कि मेरी फेवरेट चीज जो है ना बड़ी, वो चाची ने बना के रखी है और मैं उसको ना खा सकता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, ना ना बबरू नहीं खाऊंगा। और चलो अभी खाना बाद में खाएंगे, फिलहाल हल्के से तौर के ऊपर ये स्नैक्स टाइप हो गए। और भाई सच बता रहा हूँ, इनका जो टेस्ट रहता है ना, मेरी मोस्ट फेवरेट चीज है और इसके लिए फिर मैं इंतजार नहीं कर सकता। चाची जी आप नहीं खाएंगे ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं खाना। आपके घर में तो है ना? हाँ जी। तो जिनके घरों में श्राद्ध होते हैं एक्चुअल में, उनको तो भाई उसके बाद ही खाना पड़ता है। अच्छा उसके बाद ही मैं भी खाऊंगा, पर बड़ी का क्या भाई, चलती है थोड़ी थोड़ी। सिम 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 सिम, आज सिम्बा भी सुबह से भूखा है। और ये क्या है ना भाई, हमेशा इसके साथ
जब भी आओ तो खेलने के लिए ढूंढता रहता है। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं मेरे से कि भाई इसको खाने में क्या खिलाते हैं। देखो जो गद्दी डॉग होते हैं ना, जो गद्दी ब्रीड के डॉग होते हैं, इनका सिंपल सा रहता है कि आप सूखी रोटी भी डालोगे ना भाई, तो ये वो खा के भी खुश रह लेते हैं। इनको ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ बड़ा VIP चाहिए या फिर दूध चिकन मटन ऐसा चाहिए, वो सब के बिना भी इसका चलता है। देखो बस बेचारा अपनी उसमें ही बार बार कॉलोनी में आकर देख रहा है कि मेरे लिए कुछ खाने को बचा या नहीं। सिम्बा बेटा आज श्राद्ध है, घर में कुछ नहीं बना, सामने वाले घर में जाना पड़ेगा। वो देखो ये उस उम्मीद में चाची के पास जा रहा है कि चाची चाची इसको भी भूख लगी आज, पता है वही है ना, इसको क्या पता है अब। सिम्बा हाँ बिल्कुल चाची, मेरे को तो आप झूठे नहीं करते, तो मेरे को तो बड़ी खिला दी आपने, अलग रखी होती बड़ी वो ना। हाँ तब तो ठीक है, मतलब ना वो अलग से बना के रखी थी। ठीक है आप ऐसे मत बोलना कि मैंने सब कुछ झूठा कर दिया, और जो अभी सुबह के लिए रखी होगी वो पंडित के प्रॉपर जो होता है मतलब मंत्र, उसके बाद ही वो सब चीज़ें अप्लाई की जाएंगी। तो मम्मी जी भी खेत से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आते ही मम्मी हाँ जी थोड़ा देर फ्री तो बैठ लिए करो। फ्री कैसे बैठना, खेतों का काम पड़ा, भूख 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 लगी पड़ी है मेरे को बहुत ज्यादा, पता है भूख लग पड़ी मेरे देखो भूख के नाम से वो भी कैसे भाई, वहाँ से पीछे मुंडी हिला रहा है सिम्बा, सब बगचा रहा है। पता जब मैं खेत से आई मैंने बोला मैं मेरे कुत्ते को रोटी दी, मेरे ऊपर चढ़ रहा था पूरे वही हालत आज मेरी भी है। तो यहाँ पे मम्मी लगी पड़ी है, और इधर पे आप देख सकते हो कि अपनी सोए देख लो अम्मा जी लाए हैं चाय बनाने के लिए ना, मिट्ठे सोए होते खेतों में। खाया खाना खाया अम्मा आपने? नहीं खाया ना, मैं झूठ बोल रही थी पहले अम्मा को, मैंने पहले पूछा, अम्मा बोल रही मैंने खा लिया है, पर अम्मा भी श्राद्ध छूटने का वेट कर रहे हैं, सारे लोग वैसे ही वेट कर रहे हैं बस पंडित के आने के। और ये देखो ये है हमारे यहाँ के सोए, और इनको तो हम ऐसे भी खा सकते हैं ना, मीठे सोए ना, मीठे सोए होते हैं जिनको चाय में डाला जाता है ना, चाय में खीरी में डालो प्रसाद में डालो। हाँ मतलब इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं वो मुझे अच्छी तरह सोए ही बोलते हैं, चाय सौंफ सौंफ मिट्टी सौंफ। ये देखो ऐसे निकाल के ना, और इससे क्या होता है कि अगर सुबह से कुछ खाया ना हो या फिर ब्रश ना किया हो। अम्मा अपनी कोई कम है क्या, ज्यादा टैलेंटेड है अम्मा भी? मीठी सौंफ, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के ना फिर मुंह से जो फ्रेशनेस आती है मतलब बड़ी कमाल की होती है। अभी मैं खा रहा हूँ इसको तो सही में मुंह में थोड़ा मीठा मीठा फील हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने कुछ राजमा के दाने निकाले हैं, तो आप ना क्वालिटी का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर कोई दाना जो है वो अलग अलग है, कुछ बिल्कुल रेड कलर के हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं। तो इस तरह के सारे राजमा जो है वो आपको himachalwala.in पे मिल जाते हैं, ईजी आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बस ये ख़राब ख़राब जो दिख रहे हैं ना आपको ये नहीं मिलेंगे बस, बाकी आप देख सकते हो कि राजमा में कितनी सारी वैरायटीज़ होती हैं। पर हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा ये होता है कि सब दालें वगैरह जो भी आप ये देखते हो ना, जैसे उर्द की दाल बोलते हैं इसको, तो ये सारी दालें जो होती है ये ऑर्गेनिक होती है, मतलब इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो नहीं बनवाए मैंने, लेकिन हम यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें, गोबर ही इस्तेमाल होता है ना मम्मी, गोबर इस्तेमाल। अभी देखो मम्मी मेरे को राजमा के साथ कुछ गेम दिखाने जा रही है, बताओ मम्मी क्या करना है। ये देख ये केक ले लिया। अच्छा, दो दाने ले लिए, दो दाने ले लिए। ठीक है अब ये दूसरी बार देखना मेरे हाथ में कितने कितने आएंगे, बराबर बराबर ये इसलिए तो उस हाथ से उठाया एक दाना, एक हाथ इसमें उठाया, दो इसमें हो गए, तीन इसमें हो गए, इसमें चार हो गए, इसमें तीन हो गए। अच्छा आगे इसने निकाल दिया, इसने निकाल दिया, एक एक मम्मी दोनों हाथों से निकाल दिए। देखो होगा नहीं, एक दाना बचा ना मेरे हाथ में, एक एक कैसे बचा है, एक एक पांच निकाल दिए, एक एक ही बचा ना मेरे हाथ। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा ये इसने ले लिया, इसने ले लिया, इसने ले दो, इसने भी दो ले लिए, इसने ले लिया। अब देख ये देख देखा है मम्मी आप वहाँ से वहाँ कर देते हो, खुद कर। ठीक है ओ ये समझ गया मैं, खुद करके दिखा। ये जादू बड़ा बड़ा को नहीं आती तो ये जादू अगर किसी को पता चला तो कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। तो फाइनली भाई सामने वाले घर से कॉल आया है कि आ जाओ हवन करने, और आपको पता है मैं इतनी देर क्या कर रहा था, मैं भाई दुनिया का सबसे पेशेंस वाला काम कर रहा था। ये देखो ये इसके अंदर माँ आया, और इसके अंदर ना
मतलब छोटे छोटे आप देखेंगे तो पत्थर वगैरह रहते हैं जिनको कि निकालना पड़ता है। और मैंने भाई इतनी दाल साफ कर दी है, ठीक है। और सच बता रहा हूँ भाई, इस तरह के काम मैं यूजली करता नहीं हूँ, पर क्या करें, गांव में यहाँ पे बैठ बैठ के भी क्या ही करना होता है दिन में, तो ऐसे हल्के हल्के मम्मी का साथ हो जाता है बंटवाने के लिए। तो चलो अभी चलते हैं और भाई श्राद्ध के लिए हवन करके आते हैं। तो ये जलती हुई अंगीठी को दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रखा होता है गोबर बना के, मतलब गोबर वगैरह का वो डाल के, तो ये हो गया, तो मतलब हवन हो गया कंप्लीट। और पंडित तो आपने देखा भाई हमारा कि कितना छोटा है, बट फिर भी पंडिताई भाई पूरी कर रहा है, कॉपी हाथ पे लेके, उसके बावजूद भी वो जो मंत्र पढ़े जा रहा था। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी क्या है ना कि हवन हो गया कंप्लीट और अब सब लोगों को बारी बारी से बुला रहे हैं, बोले आ जाओ खाना खाने। तो चलो सुबह के भाई मेरे भी हालत ख़राब है, अभी चलते हैं खाना खाने। जैसा कि आप लोगों को कहा था ना कि शराब जो है वो दो घर में है ना दादाजी, दादा आप भी जाओगे नीचे खाने? हाँ देख लो भाई, गांव में ऐसे है कि अपने सब बुजुर्ग दादा लोग जो है ना वो बीड़ी और ये तो सब पीते ही है, तो यहाँ से नीचे वाले घर की तरफ, वहाँ जो घर है वहाँ पे भी है, तो मम्मी वगैरह चले गए वहाँ पे और हमें बोला है कि चलो बोला आप यहाँ पे खा लो। मैंने कहा ठीक है, अब अंदर चाची जी ने जो वो रख दिया है सब कुछ बना के, तो चलो चलते है खाते। तो ये देखो जी खाना यहाँ पे फाइनली लग चुका है। चाची और क्या क्या बना है स्पेशल? स्पेशल बना है खीर, खीर भी दो, टमाटर अच्छा, आलू, फिलहाल माँ की दाल और यहाँ पे अच्छी और भी डाल दो, आलू वगैरह भी डाल दो, थोड़ी मिक्स सब्जी कर दो धाम के जैसे। ये क्या रखा है? ये टमाटर, आलू टमाटर भी डाल दो। तो अभी भाई पेट भर के खाना तो यहाँ पे हो गया देख सकते हैं आप। और अब क्या है ना कि चाची जी ने यहाँ पे दे दी है, देखो ये रही हमारी खीर और साथ में ये रहा हमारा बड़ा जो कि मैं सुबह भी खा के गया था। तो ये चीज दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, हालांकि खीर बने हुए काफ़ी टाइम हो गया जिसकी वजह से थोड़ी ये सूख चुकी है, बट फिर भी बहुत टेस्टी बनी है। तो फाइनली दोस्तों श्राद्ध हो चुका है कंप्लीट और वहाँ पे ना दादा और वो बैठ के बात कर रहे थे कि रवि बेटा अगले साल के लिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि तुम्हारे पापा को भी अब डालना है श्राद्ध के लिए। और मैं इस फोटो को देख के जस्ट रियलाइज कर रहा था, तो देखो 2 मार्च 2020 की वो डेट थी जब पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया था एकदम से, मतलब ना वो बीमार थे ना कुछ ना कुछ, और भाई उस टाइम से लेकर मेरी ज़िंदगी ने एकदम से पलट गई थी, पूरी बदल गई थी सच कहूँ तो भाई। उसके बाद में जो मैंने टाइम देखा, बट चलो फैमिली में जिन भी चीज़ों को सामना करना पड़ा मुझे, बहनों की स्टडी को लेकर या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्तेदारी, वो सब काम मैंने कंप्लीट किए, बट कहीं ना आज भी दिल को ऐसा फील होता है कि काश हम लोग साथ होते, पापा को कुछ नहीं हुआ होता ना भाई, तो आज का ये जो टाइम है ना वो आपका भाई बदल के रख देता, क्योंकि फिर मैं जो हूँ ना वो मजबूरियों में नहीं फंसता, घर नहीं बैठना पड़ता। बट क्या करें, आज की डेट में ना चाहते हुए भी भाई घर से निकला नहीं जाता, और निकलेंगे भी तो सोचते कि कहाँ ही जाएंगे क्योंकि भाई यहाँ पे पीछे फैमिली का सर्कल। पर चलो अपनी सिस्टर धीरे धीरे तरक्की कर रही हैं, बढ़ रही हैं आगे, उनको देख के खुशी मिल जाती है। पर ये है कि यार टाइम का कोई भी पता नहीं चलता है कुल मिला के, कब 4 साल बीत चुके हैं मतलब इस बात को ना, और यहाँ तक बात आ गई है। आज भी ऐसा लगता है कि जैसे वो कल परसों की बात हो, और आज भी ऐसा लगता है कि काश सब चीज़ें वैसी ना हुई होती तो टाइम कुछ आज अलग तरह का होता। पर खैर अब कुछ फ़ायदा तो है नहीं बोल के, है ना। सभी लोग आप में भी बहुत से ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स आज की डेट में नहीं है, फादर नहीं है, वो भी मिस करते होंगे, और जिनके हैं उनको इतना ही बोलता हूँ कि हमेशा केयर किया करो, रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। तो चलो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे और ब्लॉग में, टेक केयर एंड